नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक युक्ति में। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग का जो है एक कैटेगरी जो होता है इसको चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहां का जो फुटर का क्रेडिट होता है इसे रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ और वहां पे अपना क्रेडिट लगा सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपको बहुत ही कम पता होगा, मैं जानता हूँ बहुत ही, वो है मेटा टैग। मेटा टैग जब भी हम कोई ब्लॉग या कोई थीम अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, तो क्या होता है बहुत सारे थीम में मेटा टैग का नहीं ऑप्शन होता है। तो क्या होता है जिसमें नहीं मिलता है वहाँ पर हमें एक मेटा टैग क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसे ला के ऐड करना पड़ता है कोड में। और गूगल भी मेटा टैग के हिसाब से क्रॉल करता है ब्लॉग को कि यह ब्लॉग किस कैटेगरी में है, ब्लॉगिंग में है या फिर टेक में है या फिर एंटरटेनमेंट में है, जो भी अदरवाइज जो ब्लॉग हैं उनसे उनमें कैटेगराइज करता है। तो मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं बताऊंगा कहां से आप जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप अपने ब्लॉग में उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की और जर्नल और स्पोर्ट और, लेकिन मुझे चाहिए, मैं मेरा एक टेक ब्लॉग है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रहे मोबाइल, यहाँ पे इंटरनेट रहे और यहाँ पे रहे ब्लॉगिंग का और यहाँ पे रहे कंप्यूटर का। ये मुझे चार कैटेगरी चाहिए और मैं उसी अनुसार चार लिंक लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाना है, आप ओपन कर लीजिए साथ में तो ज़्यादा आसानी होगी। डैशबोर्ड में जाने के बाद नीचे थीम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे थीम का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे नीचे, ये कस्टमाइज का एक एडिट HTML का। यहाँ पे एडिट HTML पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसके जो भी आपके ब्लॉग का जो फ्रंट एंड का जो कोडिंग पार्ट रहेगा, वो जो एडिटर पार्ट रहेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा पूरे एडिटर में। यहाँ से आप अपने ब्लॉग पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं कोडिंग के द्वारा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कैटेगरी सर्च करना है। तो सिंपल, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंट्रोल F दबाना है, यहाँ पर सर्च बार आएगा और यहाँ पे कैटेगरी में से एक ऑप्शन का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट है तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट एक लिख देता हूँ, स्पोर्ट। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सर्च करके बता देगा वो नाम कहाँ है। ये मेन मेन्यू इसे भी कहते हैं या फिर कैटेगरी कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पे देखिए चार कैटेगरी है, यहाँ पे भी चार कैटेगरी है। अब इन्हें हमें चेंज करना है। पहला हमें चाहिए इंटरनेट का, तो यहाँ पर मैं गेम्स को चेंज करके इंटरनेट कर देता हूँ, यहाँ पर इंटरनेट लिख दूँगा। और उसके साथ यहाँ पर देखिए एक हाइपर लिंक जिसे कहते हैं, हाइपर लिंक है। यहाँ पर अगर आप कुछ ऐड नहीं करेंगे तो जो पोस्ट आप लिखेंगे इस कैटेगरी का नाम देके उसे, तो वह पोस्ट इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसको लिंक चेंज करने के लिए, वो जो मैंने आपसे कहा था ये कॉपी करने के लिए, यही कॉपी करना है आपका, क्योंकि आपके ब्लॉग पे रहेगा तो ये कॉपी करना है। उसके बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करना है हैश के जगह पर, हैश टैग के जगह पर पेस्ट करना है। उसके बाद देखिए .in/ के बाद आपको लिखना है सर्च लिखना है, उसके बाद फिर स्लैश लगाना है, लेबल लिखना है, लेबल, लेबल के बाद उसके बाद फिर स्लैश लगाना है, उसके बाद जो आपके कैटेगरी का नाम है, मेरे कैटेगरी का नाम है इंटरनेट, मतलब जो मैं इंटरनेट में लिखूंगा वो तो कैटेगरी में क्लिक करे तो यहाँ पे आए, तो मुझे इतना लिखना पड़ेगा। पहले आपके ब्लॉग का एड्रेस, फिर स्लैश सर्च, फिर स्लैश लेबल, फिर स्लैश जो भी आपके कैटेगरी का नाम हो। उसके बाद दूसरा है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे क्या करना है, हमें सेव करना है, यहाँ से सेव थीम को। उसके बाद अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कि देखिए हमारा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और देखिए हमारा सब चारों मेन्यू चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे इंटरनेट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और जो है मोबाइल्स हो गया। यहाँ पे मैं इंटरनेट पे क्लिक करके आपको इसका एड्रेस दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इसका एड्रेस आया, क्या आया, अब मेरे ब्लॉग का एड्रेस आया, उसके बाद स्लैश सर्च, स्लैश लेबल, स्लैश इंटरनेट, मतलब जब भी कुछ मैं अगर यहाँ पे जो जिस भी पोस्ट के लेबल में मैं इंटरनेट इंसर्ट कर दूँगा, तो जब मैं इंटरनेट पे यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा जो लिस्ट आएगा इंटरनेट से, जो जितने भी पोस्ट आएंगे सबका लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद अब आते हैं सबसे नीचे पे, इसका जो है फुटर क्रेडिट को कैसे रिमूव करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस ब्लॉग के सबसे नीचे जाना होगा या फिर सिंपल तरीका ये है, आप यहाँ से नाम देखें इसका, मैं सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन बाई करके अब सर्च कर लेता हूँ, ये आसान होता है थोड़ा सर्च करने में और इससे चीज़ें जल्दी मिल जाती है। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे इसका कोड है, यहाँ पे ये फुटर क्रेडिट है पूरा, साइट ने अपना लगाया है और हम इसे चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉपीराइट, और यहाँ जो ये क्रेडिट है ये ब्लॉगर ने लगाया है, तो ये हमारे ही ब्लॉग का है SS24, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारा ही है। और जो हमारा ये मेन है इसको चेंज करना है यहाँ डिजाइन बाई को, तो यहाँ पे देखिए जो कोड रहेगा ये कोड देखिए डिजाइन बाई के बाद या फिर जो भी क्रिएटेड बाई, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, जो भी लिखा होता है उसके बाद एक
कोड होता है, हाइपरलिंक का एक कोड होता है, आपको ध्यान रखना। जो मैंने देखी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, एक कोड है, इस कोड के लास्ट में जाना है आपको और यहाँ पे एक स्पेस देना है इस कोड के अंदर ही। उसके बाद इस कोड में एक कोड लिखना है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम पूरा एड्रेस दे दूंगा कोड को, सेम एज कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ये कोड है स्टाइल, मैं बोलता जाता हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो टाइप कर लीजिए, इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर आपको लिखना है विजिबिलिटी, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद कॉलन देना है, उसके बाद लिखना हिडन। इससे क्या होगा, जो आपका जो ये सामने वाला जो इसका लिंक है वो हाइड हो जाएगा पोस्ट से। मैं आपको यहाँ पर सेव करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे डिजाइन बाई के बाद जो लिखा था मैंने उसको हाइड किया, देखिए यहाँ पे हाइड हो गया है वो पूरा। और नीचे लिखा है ब्लॉगर थीम बाई न्यू ब्लॉगर थीम एंड डिस्ट्रीब्यूटर बाई गोयाबी टेम्पलेट, तो इसको भी हमें करना है इसी तरह। तो मैं इस कोड को बार बार नहीं लिखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया और फिर इसके हाइपरलिंक क्या हुआ है, मेरा सारा जो है जितने भी लिंक थे और जितने भी क्रेडिट थे वो गायब हो गए हैं, सारे क्रेडिट गायब हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मुझे डिलीट करना है, थेम बाई, और यहाँ पे डिजाइन बाई मैं कर देता हूँ, यहाँ पे शैलेश चौधरी, यहाँ पे थेम बाई का इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो ये टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, फालतू का दिख रहा है। और यहाँ पे गोयाबी टेम्पलेट और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ये डिलीट कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखिए डिजाइन बाई शैलेश, उसके बाद बाकी सारा गायब हो गया। तो ये दो चीज़ें आपको पता चल गई, बहुत आसान है दोस्तों, आप आराम से सेट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, थोड़ा अपना ब्लॉग लगता है, लोगों को लगता है हाँ जिसने बनाया है उसके अंदर थोड़ा क्रिएटिविटी है, बस क्रेडिट रिमूव करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद आते हैं मेटा टैग जनरेटर। मेटा टैग के लिए क्या होता है, या तो आपको जानकारी हो, हेड जो हेड टैग होता है उसके अंदर अपना कोड भी लिख दें, हेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड लिखा है, इसके जस्ट नीचे हमें कोई भी कोड इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी हेडर का कोड होता है, यहाँ पे सिंपल मैं ऐसे और कोड ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज आपको कोडिंग नहीं आती, जीरो सुन बटा सन्नाटा है, जो भी कोडिंग नहीं आती है बिल्कुल, भी HTML CSS कुछ भी नहीं आता है, तो आपको सिंपल बहुत सी वेबसाइट है और इसमें से एक वेबसाइट है tools.seobook.com, यह बहुत आसानी के साथ यहाँ से आप मेटा टैग जनरेट कर सकते हैं। मतलब वो लिंक के साथ पूरा जनरेट करना होगा आपको, जो हमारा जो जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश में उसका जो टैग लिखना होगा, उसके बाद ये लिंक पूरा जनरेट कर दे। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका टाइटल टेक ब्लॉग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया SS24 इज ए ब्लॉग रिलेटेड टू मोबाइल इंटरनेट ब्लॉगिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि जो मेरा ब्लॉग है वो टेक ब्लॉग है और इसमें मोबाइल इंटरनेट ब्लॉगिंग के बारे में बताया जाता है। कीवर्ड क्या चीज होते हैं, ब्लॉगिंग कीवर्ड हो जाएगा, इंटरनेट कीवर्ड हो जाएगा, मोबाइल्स कीवर्ड हो जाएगा, उसके बाद एंड्रॉयड कीवर्ड हो जाएगा, SEO हो गया, और उसके बाद इंटरनेट में ट्रिक्स हो गए, ये सब कीवर्ड हैं। अगर ये कीवर्ड कोई इंटर करके सर्च करेगा तो मेरा ब्लॉग इसमें आएगा, बस इतना रहते हैं ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पे देखिए क्रिएट मेटा टैग नाम का एक ऑप्शन होगा, आपको इतना चीज़ें ऐड करने के बाद आप थोड़ा और बड़ा ऐड करिए डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बड़ा, लेकिन 160 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल उसके बाद ट्रिम कर देता है या फिर कोई भी सर्च इंजन उसे ट्रिम कर देता है। तो 160 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, उसे छोटा ही रहे। तो यहाँ पे क्रिएट मेटा टैग पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे मेरा मेटा टैग क्रिएट हो गया पूरा कोडिंग के साथ, यहाँ पे देखिए कीवर्ड के साथ। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगा, ये दोनों चीज़ें कॉपी करनी है, मेटा नेम से लेके और जो मेटा यहाँ पे कीवर्ड वाला है, ये बस ये दो चीज़ें हमें चाहिए बस। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया और अपने ब्लॉग में आया, हेड के नीचे गए और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। देखिए ये दोनों लाइन मैंने पेस्ट किया है, ये दोनों लाइन, और यहाँ पे पहला है मेटा डिस्क्रिप्शन है और दूसरा है मेटा कीवर्ड। यहाँ पे दिस इज ए टेक ब्लॉग रिलेटेड टू मोबाइल्स इंटरनेट ब्लॉगिंग, और उसके बाद जो कीवर्ड है ब्लॉगिंग इंटरनेट मोबाइल एंड्रॉयड SEO ट्रिक्स, ये बहुत आसानी के साथ मैंने ऐड कर दिया इसको अपने ब्लॉग में। उसके बाद सेम थीम को सेव कर दिया। दोस्तों ये कहीं दिखेगा नहीं, ये इंटरनल में गूगल बोट्स काम करते हैं और सर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे पूछ रहा है एक मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये हो गया है हमने यहाँ पे जब भी कोई टैग यूज़ करते हैं तो उसको बंद करना पड़ता है HTML5 में खासकर, नहीं तो फिर यहाँ पे हमें एक स्लैश लगा देना है स्पेस देके, उसके बाद सेव करना है। तो यहाँ पे नहीं तो देखिए एक एरर आ गया था, अब देखिए कोई एरर नहीं है और हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है और हमने पूरा सेट कर दिया सब कुछ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों और बात करेंगे कि कैसे हम एडसेंस कोड जनरेट करते हैं और कैसे उसे अपने ब्लॉग पे लगाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।